वीर आज प्रहलाद सु वाचा कि भी एको बायो बारा का जे बारा जगदीश बेटा जी गुंडे मध्ये जीव है ऊपर ने सुन रे का जी सुन रे ये देख लीजिए मैंने हलवा बना दिया है ये अनदर लोग रात के लगभग मैं टाइम दिखा देता हूं आपको 11 बजने वाले हैं। मैं अभी काम कर रहा हूं तो कुछ लोग सिर्फ जो फोटो देख के बोलते हैं ना कि कुछ नहीं करते यार लैपटॉप चलाते रहते हैं वो देख लो भाई रात को 11 बजे बंद कर रहा हूं। कल हम सुबह हवन करने वाले हैं, कल अमावस्या है तो इसलिए मैं अभी भी जल्दी सो रहा हूँ आज और बाकी का व्लॉग कल सुबह शूट करेंगे। तो गाइस सुबह हो चुकी है और पुनाज अभी भी सो रहा है, देख लीजिए पुनाज अभी भी सो रहा है। यहाँ पे देखो हमने कल सामान बहुत सारा था उसको साफ कर दिया क्योंकि आज हम हवन करेंगे। गुड मॉर्निंग, सो आज मैं आपको हमारा घर दिखाने वाला हूँ। ये पीछे देखो पूनम पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो पूजा की तैयारी कर रहे हैं। ये आता है, ये हमारा लॉबी एरिया है, यहाँ पे सामान बिखरा पड़ा है क्योंकि पुनाज खेलता रहता है। ये देखो इसने बाल्टी उठा ली, पुनाज नहीं, ये एक एक्स्ट्रा बकेट हमने ऐसे रखी है बाहर कुछ इधर उधर के कामों के लिए। ये हमारा मेन गेट, खोल के दिखाता हूँ आपको। जैसे एंटर करते हैं ये मेन गेट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी हम हवन की तैयारियाँ कर रहे हैं क्योंकि आज हम अमावस्या है और पूजा करेंगे। एंटर करते ही हमारे यहाँ पे आता है ये कि होम कीचेन क्या बोलते हैं इसको रखने के लिए, तो ये सबसे सही लगता है। और यहाँ पे हमारा मंदिर है, मंदिर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारा मंदिर है, यहाँ पे बालाजी और गुरु जम्बेश्वर भगवान का रखा है फोटो। इसके अंदर भी हम सामान रख सकते हैं, इसके ऊपर भी हमने गंगा जल रखा है और अगरबत्ती रखी है। और ये हमने दो चेयर्स ली हुई हैं कभी बाहर बैठते हैं। इसके नीचे जो सामान बिखरा पड़ा है वो पुनराज का है, उसके लिए सिर्फ पुनराज जिम्मेदार हैं। और राइट साइड में अगर आएँ तो यहाँ पे ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर के ऊपर ये बॉक्स हमने इसलिए लगा रखा है ताकि पुनराज इनको छेड़ ना सके। और ये टीवी यूनिट के लिए दिया हुआ था लेकिन हमने अभी इसके अंदर जूते वगैरह रख दिए हैं, राइट, हाँ जूते वगैरह देख सकते हैं रख दिए हैं। इसके अंदर अभी कुछ सामान है नहीं क्योंकि हमारा फ्रिज के अंदर रख दिया है हमने ज़्यादातर सामान, वैसे ही एक केला पड़ा है बाहर। और ये ओके, सो मैं पूरा आपको दिखाता हूँ साइड से। जैसे ही हम एंटर किए हैं, एंटर करते ही सबसे पहले हमारा हॉल आता है जहाँ जिसके अंदर अभी पुनाज पूनम बैठे हुए हैं। सामने एक रूम है और यहाँ पे किचन है और यहाँ पे ही इसी लॉबी एरिया में हमने फ्रिज रखा हुआ है। ये हमारा फ्रिज है, फ्रिज देख लीजिए पूरा भरा पड़ा है, इसके अंदर घी है, ऊपर क्या रखा है ओके ऊपर आइसक्रीम रखा है गैस, कुछ फ्रूट्स हैं पुनराज के लिए और ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और ये हमने यहाँ पे एयरटेल का फाइबर नेट वाईफाई लगवा लिया है। ये अब हमारा है किचन एरिया, किचन एरिया हो सकता है उतना साफ ना हो, अभी देख लीजिए इसके अंदर क्योंकि हमने सुबह सुबह अभी पुनराज के लिए दूध गर्म किया है। और इसके अंदर भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दवा वगैरह रखा हुआ है हमने। और ये देखिए हमने ना पहले एक ये वाले मंगाई थी जिसके अंदर हमने सोचा था कि सामान रखेंगे लेकिन फिर उसको बर्तन धोने के बाद जो पानी रखते थे वो उस कोने में चला जाता था। फिर हमने ये एक फ्लिपकार्ट से देखी, इसके अंदर हम धोते ही बर्तन इसके अंदर रख देते हैं तो जो पानी है वो नीचे से यहाँ सिंक में चला जाता है। और ये यहाँ पे वाटर बॉटल से ही पानी आता है तो ये बिस्लेरी का वाटर बॉटल है। और यहाँ पे भी ये मतलब सारी चीज़ें हैं हमारे पास सामान वगैरह में, इसमें सारा सामान अवेलेबल है अपने पास। सो ये रख दिया है, ये पीछे का भी इसकी किचन के अंदर से ही पीछे का रास्ता जाता है, रास्ता नहीं मतलब यहाँ पे ये लॉबी एरिया वॉशिंग एरिया है सॉरी। इसके अंदर हमने एक सिलेंडर, जो हमने दो सिलेंडर लिए, एक एक्स्ट्रा सिलेंडर रखा हुआ है और एक ये हमने वॉशिंग मशीन रखा हुआ है। तो बेसिकली हम कपड़े यहाँ से धो के बाहर जो हमारा एरिया है वहाँ पे सुखा देते हैं। और ये देख लीजिए किचन से ऐसे व्यू आता है इसका, ये बाहर से पूरा किचन हो गया, किचन के जस्ट साथ में हमारा बेडरूम है और सामने ये देखो पुनराज के यहाँ पे इसके बाइक वगैरह खड़े हुए हैं। और ये कॉर्नर में यहाँ पे वॉशरूम है, मैं अभी सामान थोड़ा क्योंकि अभी हमने निकाला था और बेडरूम में आते हैं तो ये एक ही कॉर्नर से ऐसे बेड दिखता है।
और ऊपर ये अलमीरा वगैरह बने हुए हैं, और दिस इज मी। सो आज हवन करने वाले हैं। गृह प्रवेश तो हमने कर लिया था, हम उसी दिन करने वाले थे हवन, फिर हमको बताया गया कि दादी जी ने बताया कि अमावस्या आ रही है उस दिन कर लेना, तो आज अमावस्या आज करेंगे। और ये इसके अंदर हमने आटा रखा हुआ है, ये यहाँ पे रखा हुआ है, इसके साथ भी पुन्नाज खेलता रहता है। ये अलमीरा है और ये हमारा बेड है। तो यहाँ से भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर का, देख लीजिए कैसे दिखता है। तो अभी हम आगे हवन करेंगे। तो ये है हमारा, और ये सारा जो आप देख रहे हैं इसमें, ये हमको सेमी फर्निश्ड बोलते हैं यहाँ पे, जिसके अंदर ये टीवी यूनिट मिली थी, दोनों फैन मिले थे, बाकी पर्दे वगैरह सब हमने मंगवाए हैं, कीचेन हमने मंगवाया है, मंदिर है वो हमने मंगवाया है, सारी चीज़ें ये हमारी ओर से है, गैस चूल्हा सब, मतलब सिर्फ जो आप अनमूवेबल सामान दिख रहा है जो आपको जैसे किचन एरिया में है, मतलब मॉड्यूलर किचन टाइप का, ये सब इनका है, और ऊपर अलमीरा इनके हैं, बाकी सब चीज़ें हैं वो हमने सिर्फ हमने ही इसको किया है। अभी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, ये तो हमने स्टार्टिंग के 10 दिन में ही कर लिया था, क्योंकि आपको पता है पवन हमारे साथ आए थे। तो अभी जल्दी से हवन की तैयारियां करते हैं और मिलते हैं जल्दी। राजेश जी हवन कर रहे हैं, पुन्नाज यहाँ पे खेल रहा है और मैं यहाँ पे हलवा बना रही हूँ कुजम्बेश्वर भगवान जी को भोग लगाने के लिए। और एक्चुअली मैं सूजी लाना भूल गई थी, इसलिए मैंने आटे का ही हलवा बना रही हूँ, और ये पानी बॉईल कर रखा है मैंने, और ये खीर बनाऊँगी, इसके लिए मैंने चावल पानी में डिप करके रखे हैं, और उसके बाद मैं भी हवन में शामिल होंगी जल्दी से हलवा बना के। और ये पुन्नाज यहाँ पे खेल ही जा रहा है, ये देख लीजिए मैंने हलवा बना दिया है, ये बस कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दूँ और ये मेरी हलवा रेडी है। मैं बना रही हूँ खीर पूजा के लिए, भोग लगाने के लिए, और गाय का दूध लेके आती हूँ मैं यहीं पास से ही, और ये हलवा बन चुका है। और ये पुनराज ने देखी क्या किया है, यहाँ पे आटा गिरा दिया है, सारा दिन शैतानी करता रहता है। और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ पूजा के लिए, और मैंने खाना बना दिया है, और अभी मैं पूजा में बैठूँ। मेरी खीर ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, थोड़ी देर और है, ये बन के तैयार हो चुकी है। और ये इधर पुनराज बैठा है, जय जय करो लड्डू। और ये पुनराज के पापा अभी शब्द पढ़ रहे हैं, बीच बीच में मैं भी शब्द पढ़ने लग जाती हूँ। ओम जाके पंत का भंजना, गुरु का निंदना, स्वामी का दुश्मना, कुकते का परा, कुचिले कुदा तू, हड़हड़ा बड़बड़ा, दानवे दूतवा, दानवे भूतवा, राक्षा भोक्षा, जका जन्म नहीं पर मैं चढ़ा लूं, और कू जीव कर आप कू को कणा, जिकी रुआ लीजे देसी दोरे धूप अदारू, तानवे तानवा, छानवे छानवा, तोड़वे तोड़वा, कुकवे कुकारवा, जाके कोई न परवा, सारू हरि ओम स्वाहा। ओम इमा।
रो क्यों रहा है लड्डू, जय जय कर ले। जाटो ओम स्वाहा, हरि ओम स्वाहा। मैं तो उगन तो ताने से माऊं, दोनों पर्वत मेरे उजागर। मैं तो अदबी चाने पी रहा हूँ, मैं तो तीन भवन को राई रुकमण। मैं तो सलसिर आने बैसा हूँ, नौ से नवेदी नवासे नाला, नव से नदी नवासे नाला। मैं तो तलसी राने बैसा हूँ, शीत करो लंका हाथ ओड़ी ऐसो क्यों संग रामू। ओम सुर्गे होता सिंभु आयो, कहो जे कुने हैं जे काजे। नन्नर हरी एक लय वाई, प्रकट ज्योता भी राजे। प्रहलाद सू वाचा की भी एको बायो बारा काजे। बारा मैं सु क्या घटा तो सुचे लो गुरु लाज। हरि ओम स्वाहा। ठीक है, ठीक है। ओम श्री गढ़याल मोटपुर बाटन बोइना गोरी। वातावरण का शुद्धिकरण किया जा रहा है नए घर में। और पुनराज को लगी है भूख, बोल रहा है मुझे मम्मी जल्दी खाने को दो। अगले हरे कोणम ले जियो लारला पास शहर बेंगलोर में जा, मुझे भगवान ने बुलाना है नहीं। रे धोरारी धरती में मारा गुरु जी पधारिया, धोरारी धरती में मारा गुरु जी पधारिया। आत्मे कमंडल काली माला मारा गुरु जी, थाने मनावण में आया। आत्मे कमंडल काली माला मारा गुरु जी, थाने मनावण में आया। ए गया भाई तू सफाई रखे कोनी, सफाई रखे कोनी, थर छोरा गन देख लो, ढक देख लेगा यार बच्चा है नाक में, नाक में। आज के व्लॉग में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।